स्ट्रिप एरिया में एयर क्राफ्ट क्रैश हो गया है। आपको बता दें कि शिव एकेडमी का एयर क्राफ्ट 152 क्रैश हो गया है। यहाँ पर टेस्ट फ्लाइट के लिए भरी थी उड़ान, इस दौरान वो क्रैश हो गया है। एयरक्राफ्ट में 2 पायलट सवार थे, हादसे में दोनों पायलट घायल हुए हैं। आपको बता दें कि इंजन फेल होने की आशंका जताई जा रही है। करीब 40 मिनट उड़ान भरने के बाद ये क्रैश हो गया विमान। फिलहाल पुलिस और एकेडमी के अधिकारी वहां पर मौजूद है। बिल्कुल, ये बड़ी खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। करीब 40 मिनट उड़ान भरने के बाद एक विमान क्रैश हो गया है। विमान क्रैश होने की वजह इंजन को फेल होना बताया जा रहा है। एयर स्ट्रिप एरिया में क्रैश हुआ विमान, ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एयर स्ट्रिप एरिया में ये विमान क्रैश हुआ है, एयरक्राफ्ट 152 क्रैश हुआ है। एयरक्राफ्ट में 2 पायलट सवार थे, दोनों घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये तस्वीरें हादसे के बाद की आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए किस तरीके से एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी है। मनीषा जी बिल्कुल नदीम, तो देख सकते हैं तस्वीरों में आपकी किस तरह से विमान क्रैश हो गया है। यहाँ पर 2 पायलट इस दौरान घायल भी हो गए हैं। आपको बता दें कि इंजन फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ है। इस दौरान 2 पायलट घायल हुए हैं, उनका इलाज जारी है। पुलिस की टीम और एकेडमी की अधिकारी वहां पर पहुंच चुके हैं। फिलहाल जांच पड़ताल जारी है। इंजन फेल होने की वजह से यह घटना बताई जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विनोद कुशवाहा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, आपसे जानना चाहेंगे कि विमान क्रैश हो गया है, बेहद ही बड़ा यह हादसा हुआ है, 2 पायलट इस दौरान घायल हुए हैं, कैसी स्थिति है अभी पायलट की? केवल इस जो एयर स्ट्रिप की जो हम बात बता रहे हैं आपको, एयर स्ट्रिप के कारण ही पूरा डैमेज इस प्लेन को हुआ है, क्योंकि विरोध आप तक हमारी आवाज आ रही है? बिल्कुल, क्या है ये पूरा मामला और फिलहाल इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कहां तक पहुंची है और घायल पायलटों की स्थिति बताएं। जी, ये पूरा मामला केनटाना क्षेत्र के एरोडम है, यहाँ पे हवाई पट्टी है, वहां की घटना है। जो करीबन 12:30 के समथिंग जो पायलट होते हैं, जो लाइसेंसी पायलट है, वो दोनों इस प्लेन को उड़ा रहे थे। अचानक से करीबन 40 मिनट तक ये प्लेन हवा में उड़ रहा था। अचानक से लैंडिंग करते समय ये प्लेन क्रैश हो गया। वही आशंका यही बताई जा रही है कि इंजन तेल की भी आशंका बताई जा रही है। वही जो पायलट है उनको मामूली चोटें आई, जिनको अस्पताल में भर्ती इलाज के लिए भर्ती किया गया है। भाई हम इस प्लेन की बात करें तो ये सेस्ना 152 है, जो कि दुर्घटना हुआ है और वह पूरी तरीके से दुर्घटना में पूरी तरीके से टूट गया। हम आपको जो प्लेन है उसके बारे में बताएंगे कि ये किस तरीके से ये प्लेन दुर्घटना में किस तरीके से ये टूटा हुआ है। वहां पर आप देखिए कि ये पूरा जो इंजन है पूरी तरीके से ये पूरा टूट गया है। भाई जो जगह जगह ये कई जगह से ये टूटा, भाई हम और भी बताएंगे कि किस कंपनी का जो प्लेन है वो भी बताऊंगा मैं आपको, किस तरीके से ये इंजन है वो किस तरीके से टूटा है। भाई जब प्लेन की हम बात करें तो प्लेन की बात करें तो बैस बेलगावी एक्टिवेशन एंड एक्सपोर्ट एंटरप्राइजेस। बिल्कुल बिल्कुल, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं विनोद, बेहद हैरान करने वाली तस्वीरें हैं और बेहद डरावनी है। एक के बाद एक प्लेन हादसे की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इससे पहले हमने ब्राजील में देखा था किस तरीके से 62 लोगों के साथ सवार फ्लाइट जो है वो अचानक से क्रैश हुआ और सभी मारे गए थे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विनोद। एक और सवाल, अहम सवाल है आपसे, ये जानना चाहेंगे कि हादसे के बाद कौन कौन से अधिकारी वहां पर पहुंचे और क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आ रही है, क्या जांच के निर्देश दिए गए हैं? जी, जो प्लेन हादसा हुआ था उसके बाद मौके पर 10 PI दिलीप राजवरिया अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए थे। भाई तहसीलदार गौरी शंकर बेरवा भी वो भी यहाँ पर घटनास्थल पर पहुंचे। भाई जो एकेडमी है वहाँ सिर्फ एकेडमी है, उसके जो अधिकारी कर्मचारी वो भी घटनास्थल पर पहुंच गए। भाई मेन चीज ये है कि इसमें अभी कुछ दिन पहले भी यहाँ पर एक प्लेन क्रैश हुआ था, उसकी भी जांच अभी जारी है और यहाँ पे भी जांच की जा रही है किस तरीके से क्या कैसे ये प्लेन क्रैश हुआ। भाई यहाँ पे अधिकतर यहाँ पे कई जो स्वास्थ्य बगैर में कई तरह की शिकायतें भी यहाँ पर मिलती रहती है, लेकिन कई तरीके से यहाँ की जांच नहीं हो पाती है, क्यों कई
ऐसे में सरकार को यह सोचना चाहिए कि जो छोटी छोटी अकादमी चल रही है उनकी समय समय पर जांच होनी चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पे क्या कार्रवाई होती है, क्या नहीं हो पाती, किस तरीके से ये अकादमी चल रही है। क्योंकि अभी गुना में कुछ ही दिनों में दूसरा ये प्लेन क्रैश का हादसा, उससे पहले भी एक ट्रेनी पायलट जो महिला ट्रेनी पायलट थी वो प्लेन उड़ा रही थी, 75 वो प्लेन था जो की वो उड़ा रही थी, वो भी इसी एरोड्रम पर क्रैश हुआ था। दूसरी घटना ये हुआ जो आज जो पायलट है वो तो लाइसेंस था पायलट थे, वो उड़ा रहे थे, जो प्लेन चेक कर रहे थे कि उड़ा है या नहीं उड़ा, तो 40 मिनट तक इस प्लेन को उड़ाया गया, उसके बाद नीचे लैंडिंग के समय ये क्रैश हो गया। भाई ये बताया भी जा रहा है कि जो प्लेन का इंजन है आशंका ये भी जा रही है कि उसका इंजन फेल हो गया। जी बहुत शुक्रिया विनोद कुशवाहा तमाम जानकारी के लिए, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे।